क्या 2023 में लोगों की नौकरियां जानी शुरू हो जाएंगी? क्या पूरे वर्ल्ड को भारी रिसेशन का सामना करना पड़ेगा? पहले कोविड-19, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर और अब वर्ल्ड बैंक की हाल में आई रिपोर्ट। पिछले कुछ टाइम से रिसेशन का खतरा जो है वो पूरे वर्ल्ड पर मंडरा रहा है और अभी हाल में ही आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी उस ओर इशारा कर रही है। अगर रिसेशन आता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के साथ इंडिया पर भी पड़ेगा और इससे सबसे ज्यादा नौकरी पेशा करने वाले लोग प्रभावित होंगे। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है क्या और किस तरह से लोग रिसेशन से होंगे प्रभावित, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। तो हाल ही में जारी हुई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे बड़ा स्लोडाउन देखा जा रहा है। 1970 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है जो काफी परेशान करने वाली है। इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अमेरिका, चीन और यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर दुनिया के इन देशों में इकोनॉमी जरा सी भी पटरी से उतरी तो जो स्लोडाउन का इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली दिखना शुरू हो सकता है, क्योंकि इनडायरेक्टली तो इसका असर अभी से ही दिखना शुरू हो गया है। यूएस सेंट्रल बैंक से लेकर बैंक ऑफ इंग्लैंड, सेंट्रल बैंक ऑफ जापान ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तैयारी कर ली है। सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तैयारी तो नहीं की, लेकिन उसने ब्याज दरों में कटौती रोक दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका असर आप पर कैसे पड़ेगा। तो जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है तो इससे कंपनी से लेकर कंज्यूमर तक के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है, जिस वजह से कंपनीज अपना एक्सपेंशन रोक देती है और आम उपभोक्ता खर्च कम करने लग जाते हैं। आसान भाषा में समझे तो मार्केट में डिमांड घटने लग जाता है और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही होती है उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे ही कम होंगी रिसेशन का असर दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का संबंध नौकरी पेशा करने वाले लोगों से कैसे जुड़ा हुआ है। तो एक्सपर्ट्स की माने तो कंपनियों की आर्थिक रफ्तार घटने पर जो नौकरियां हैं वो भी घटने लग जाती हैं और इसका उदाहरण है प्राइस वाटरहाउस कोपर्स यानी कि पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट, जिसके अनुसार दुनिया भर की 50% कंपनियां छटनी की तैयारी कर रही हैं, 46% कंपनियां साइनिंग बोनस खत्म कर रही हैं या फिर उसे घटा रही हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार 44% कंपनियां नौकरियों के ऑफर तक वापस ले रही हैं और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। कोविड के टाइम पर भी हमने देखा था कि जब डिमांड कम हुई थी तब कंपनियों ने अपने एम्प्लॉइज को निकालना शुरू कर दिया था और इस बार तो 1970 के बाद सबसे बड़ा इकोनॉमिक स्लोडाउन आने की आशंका जताई जा रही है। तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित तो नौकरी पेशा वाले लोग ही होंगे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार फेडेक्स, जो दुनिया की जानी मानी डिलीवरी कंपनी है, उसने अपने इन्वेस्टर्स से पैकेजिंग डिलीवरी में भारी कमी आने की बात कही है और इसका असर अभी से ही कंपनी के शेयर पर पड़ना शुरू हो गया है। लेकिन इस लिस्ट में केवल फेडेक्स ही नहीं है बल्कि अमेज़न और रॉयल मेल जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। अब देखना ये होगा कि इस इकोनॉमिक स्लोडाउन से निपटने के लिए भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कदम उठाती है, क्योंकि उनके द्वारा लिया गया फैसला ही ये तय करेगा कि भारत किस तरह से इस मंदी का सामना करेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को। तो मैं थी स्वर्णा झा अनकट के लिए।